जब मैं मैनेजमेंट के लोगों के सामने बात करने के लिए आ रहा था, तो पावर साहब, व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आई एम फ्रॉम सच ए बिरादरी ऑफ पॉलिटिशियंस, वी रन अ स्टेट ऑफ 2,23,000 crores एनुअल बजट, बट वी डोंट नीड अ सिंपल MBA डिग्री फॉर दैट टू रन द स्टेट. और पॉलिटिशियंस को बियानी साहब कभी प्रशिक्षण और मैनेजमेंट की सीख की जरूरत है या नहीं, ऐसा सवाल हर आज के युवा के मन में आता है. एंड व्हेन आई विजिट इन कॉलेजेस एंड इंटरेक्ट विद यूथ, एवरीबडी आस्क दिस क्वेश्चन. इफ आई हैव टू गो फॉर अ 10,000 सैलरी जॉब, क्वेश्चन इज व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. एंड सो आई गो बैक एंड रिमेम्बर शरद जोशी हास्य कवि की कविता थी कि नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा. नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा. ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा. मंत्री ने पूछा, क्यों? नए नए मंत्री ने ड्राइवर से कहा, कार आज मैं चलाऊंगा. ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा. ये कार है सरकार नहीं, जो भगवान भरोसे चल जाएगा. और इसलिए भगवान भरोसे सरकार चलाने के दिन शायद अभी खत्म हो रहे हैं. और इसका कारण कोई एक व्यक्ति आने से नहीं, जेन्युइनली अपने देश के वोटिंग पैटर्न में यूथ का वोट इस मात्रा में बढ़ गया है कि यूथ्स हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन दिस गवर्नमेंट मेकिंग सिस्टम. And that has compelled the political leaders to bring back their agenda to the development of politics more than the emotional politics. और ये अगर सब नजर देखते हैं तो number of times मुझे लगता है कि अपनी शिक्षा के बारे में भी सोच है. उस सोच में भी जो एक drastic change आना जरूरी है, right from the primary education to this management and अदर प्रोफेशनल एजुकेशन. मतलब कई बार मैं प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जब स्कूल में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, आई डिस्कस विद द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, और वहाँ ये फील होता है कि आज भी हम स्कूल के बच्चों को या कॉलेज के स्टूडेंट्स को सिर्फ इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं. आर वी गिविंग द नॉलेज, आर वी पासिंग द इंफॉर्मेशन. आई रिमेंबर माई स्कूल डेज, आई वॉज थॉट इन द क्लास दैट डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून इज सो इन टू सो मल्टीप्लाई बाय सो मेनी लाइट ईयर्स. माई कलीग्स हु वर कमिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड इमीडिएटली रोट डाउन इट. आई पुट माई हैंड अप, मैडम हाउ इट वॉज काउंटेड, हाउ इट वॉज मेजर्ड. मैडम आंसर, सिट डाउन, दिस क्वेश्चन नॉट गोइंग टू कम टू द एग्जाम. बाद में इंजीनियर होना पड़ा बी एन साहब, तब जाके मालूम पड़ा ये कैसे गिना. अब आर वी गोइंग टू चेंज दिस पैटर्न ऑफ एजुकेशन? यार कई बार मुझे लगता है कि आज के हिस्ट्री में जब पढ़ाया जाता है शिवाजी महाराज एंड ऑल, तो पवार साहब शिवाजी महाराज कहने पे नॉर्मल बच्चे को शिवाजी महाराज मतलब शाइस्ते खान की उंगलियां तोड़ी, अफजल खान का पेट फाड़ा, सूरत को लूटा और आगरा से छुटकर आए, इसके आगे शिवाजी महाराज क्या है? तो शिवाजी महाराज के समय में भी फैमिन मैनेजमेंट सिस्टम थी, जो आज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है वो उस समय थी. ये आज हमारे स्कूल के बच्चों को पढ़ाना भी आवश्यक हो सकता है. एनवायरमेंट मैनेजमेंट जो है वो फॉरेस्ट मैनेजमेंट छत्रपति शिवाजी महाराज के समय था. हाउ जंगल्स वर प्रिजर्व दैट टाइम, वो मैनेजमेंट, वो एडमिनिस्ट्रेशन उनके समय का आज हम पढ़ा रहे हैं क्या? अगेन शिवाजी कोथरा काटनार, बोटो तोड़नार, सुरतेला लूटनार, उसके आगे कुछ शिवाजी, फिर वो कोई हिस्ट्री लेगा, कोई स्पेशलाइजेशन लेगा, देन ही विल गो फॉर दैट. बट बेसिक द जनरेशन विच इज वी आर गिविंग एजुकेशन, उसको क्या जरूरत है? मतलब जब हम कहते हैं कि
आज की पीढ़ी की सोच जिस प्रकार बढ़ रही है, वो हम जब मतलब शिवाजी महाराज की बात आई तो हिरकणी जो रायगढ़ से अपना अपना छोटा बच्चा घर में अकेला है और इसके लिए वो उतर के आई, अगर आज ही हम पढ़ाते हैं तो आई एम श्योर कि आज के बच्चे सवाल पूछेंगे कि अगर वो बच्चा घर में था तो उसकी दादी, उसकी नानी, उसका नाना, उसका चाचा, उसका भाई, कोई था नहीं घर में, और अगर ये कोई था नहीं तो पड़ोसी क्या कर रहे थे? वो एक रात नहीं संभाल सकते हैं, और एक रात अगर पड़ोसी नहीं संभाल सकते हैं तो हिरकणी नीचे आते समय अगर मर जाती तो उसको जिंदगी पर कौन संभालता? ये सवाल पूछने वाली आज अगर जनरेशन है तो उनको हम क्या दे रहे हैं? इसकी सोच आज लाने की जरूरत है। और इसलिए कई बार मैं मैनेजमेंट, एजुकेशन और मैनेजमेंट सब्जेक्ट के बारे में सोचता हूं तो मैनेजमेंट इज डूइंग थिंग्स राइट, बट लीडरशिप इज डूइंग द राइट थिंग्स। अगर इसका हमको एहसास है, एंड वेन एवर वी स्पीक की लीडरशिप ने अपना योगदान, लीडरशिप का टू फैसिलिटेट द सिस्टम है और टू रेगुलेट द सिस्टम, द पीपल इन पॉलिटिकल सिस्टम शुड फैसिलिटेट। ये लाइसेंस और रेगुलेशन जितना लाएंगे उतना आप स्पीड ब्रेकर्स ये सब एजुकेशन बढ़ाने वाले हैं। और इसलिए बेसिकली एजुकेशन सिस्टम के बारे में सोचते समय व्हेन आई सी दैट मैनेजमेंट की इतनी सीटें खाली है, 16,000 सीट्स अभी खाली है, दिस है, ये है, वो है, तो इसका कारण बेसिक में मैनेजमेंट कोर्सेज जो अभी शुरू हो रहे हैं, पहले किसी जॉब के लिए 10th पास लगता था, उसको कुछ साल के बाद ग्रेजुएशन पास लग रहा है और शायद उसको कुछ साल के बाद अब मैनेजमेंट पास लग रहा है क्या? इसके आगे जाके कुछ हो रहा है, कुछ स्पेशलाइज एजुकेशन मिल रहा है और वो स्पेशलाइजेशन देने की क्षमता अपने इस सब सिलेबस में है। बिकॉज इफ आई एम अ पोलिटिकल लीडर इन पोलिटिकल सिस्टम ऑफ महाराष्ट्र, तो एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र के फार्मर का पर एकर यील्ड कम क्यों है और उसका एग्रीकल्चर मैनेजमेंट उसके सॉइल हेल्थ से लेके उसके फर्टिलाइजर लेके उसका आगे फार्मिंग का इसके मैनेजमेंट का कहीं सिलेबस क्या अपने प्रदेश में शुरू है और उसकी जगह खाली है क्या? तो वो शायद शुरू है ही नहीं। वी आर ट्रेनिंग मैनेजमेंट ओनली फॉर द इंडस्ट्रीज, फॉर द एग्जीक्यूटिव, वो पोस्ट खाली है, उसका भी सैचुरेशन हो सकता है। बट अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस इन कमिंग डेज वी आर गोइंग टू फेस, और वो चैलेंजेस को सामने रखते हुए मतलब फार्म टू फॉरेन ये पॉलिसी अगर इस देश में एग्रीकल्चर के लिए आनी है, अपने प्रदेश में आनी है, तो उसमें मैनेजमेंट के कौन किस प्रकार के स्टडीज का अंतर्भाव हो सकता है, व्हाट कैन बी इंट्रोड्यूस इन दिस। और आर द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज डूइंग दैट? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में इस प्रकार के मैनेजमेंट कोर्सेज आ सकते हैं का? आर वी गोइंग टू थिंक फॉर दैट? और वो अगर हम मतलब वेन वी टॉक अबाउट गुजरात एंड वी टॉक अबाउट अमूल, तो अमूल का जो व्हाइट रेवोल्यूशन की बात होती है तो इट इज अ परफेक्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ नाइस मैनेजमेंट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, फार्मर के घर से वहां से इकट्ठा करते हुए मार्केट तक पहुंचाना। इफ दिस कैन टर्न थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स ऑफ फार्मर्स इन अ स्टेट, वाई नॉट वी कैन इंट्रोड्यूस सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन आवर महाराष्ट्र का सोचते हैं, इसलिए महाराष्ट्र कह रहा हूं मैं कि अपने महाराष्ट्र में इस प्रकार की एक्टिविटी के लिए, इस प्रकार के कोर्सेज इन सिलेबस के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका विचार मुझे लगता है होगा। कई बार यह होता है कि मतलब लॉ एंड ऑर्डर, मुझे लगता है बिहानी साहब अपने जो पुलिस फोर्स है, पुलिस फोर्स के सिलेबस का जब मैं अध्ययन करता हूं तो पुलिस फोर्स में भी एक मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करते, हाउ टू मैनेज, हाउ टू गेट इट इफेक्टिवली डन, इसकी भी आवश्यकता हो सकती है। और आज इसलिए उस प्रकार का विचार, लॉ एंड ऑर्डर ओनली पुलिस ने, उसने एक फिजिकल ट्रेनिंग लिया, एक लॉ का ट्रेनिंग लिया, बाकी ट्रेनिंग लिया, इसमें पर्याप्त नहीं है। इन द
ग्रोइंग सिचुएशंस और जिस प्रकार चैलेंजेस बढ़ रहे हैं वो चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए इवन फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में हम मैनेजमेंट का उपयोग किस प्रकार हो सकता है उस पर अध्ययन करके उस प्रकार के टॉपिक उस प्रकार के सब्जेक्ट्स नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन दैट टाइप ऑफ ट्रेनिंग वी ओनली डोंट नीड एन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट कैंपस और कॉलेजेस उसको छोड़कर भी इस प्रकार के अलग अलग इश्यूज में इफेक्टिवनेस आने के लिए उसमें मैनेजमेंट के अंतर्भाव क्या बात कर सकते हैं और उस पर मुझे लगता है कि वी नीड मोर रिसर्च ऑन दिस थिंग्स विच विल हेल्प फॉर आवर डे टू डे डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेक्टर्स लॉ एंड ऑर्डर का हो फार्मिंग का हो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रीज से लेके इवन इन ट्राइबल एरियाज में जिस प्रकार की बातें चलती है और उस पर मुझे लगता है कि जैसे रूरल एरियाज के कपाट की बात एज यू राइटली मेंशन मोदी जी स्पीच कि कपाट के काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी ये कपाट के इसमें कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हो सकती है और वो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज का विचार करते हुए साइकिल प्लाव है इन्फंट वार्मर है इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस ऑफ वाटर्स एंड लॉट नंबर ऑफ थिंग्स उसमें हो सकती है तो उसके कपाट के द्वारा इस प्रकार के मैनेजमेंट वुड इम्प्रूव द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल हु आर इन द रूरल एरियाज उसके लिए इस प्रकार के सब्जेक्ट इस प्रकार के इश्यूज ये होना नहीं तो टिपिकल वेस्टर्न मैनेजमेंट्स और इसकी भीड़ में हम भी उसके कतार में लग गए तो अभी जो स्थिति है और अभी की स्थिति बेसिकली इन आफ्टर 2000 तो एकदम 3000 इंस्टीट्यूशंस वगैरह अपने देश में फटाफट बढ़ गए हैं और फिर वो बढ़ते समय भी बेसिक अपना प्रॉब्लम है कि इन अ वे वी आर एपिंग द वेस्ट बट रियल जरूरत अपने देश की क्या है और अपने देश की जरूरत सामने लाते हुए अपने अभी के गवर्नमेंट सिस्टम में फ्लॉस क्या है इट इज अ कंकरेंट सब्जेक्ट एंड एवरी टाइम वी टॉक ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम यहां अभी आप AICT के पास जाओ DTA के पास जाओ फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज देन शिक्षण शुल्क समिति देन प्रवेश नियंत्रण समिति ये सब हर्डल्स क्रॉस करने के बाद वो कॉलेज चला एंड देन फिर बीच में कोई एक बजट में आएगा कि गवर्नमेंट विल पे फॉर द फीस फॉर OBCs एंड SCs और उनसे पैसा चार चार साल निकालने के उनको पैसा देते रहो मतलब आई एम अवेयर अवर ऑल सच हर्डल्स विच वी आर फेसिंग और इसलिए बेसिकली वी नीड अ सिंगल विंडो सिस्टम और इस सिंगल विंडो सिस्टम से AICT से लेके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तक कॉलेज में एडमिशन बच्चे का हो गया तो उसका ऑनलाइन जाने के बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर्स प्रिंसिपल दे नीड नॉट गो फॉर टू द मंत्रालय दे नीड नॉट गो टू द शास्त्री भवन एट दिल्ली यहां बैठ के होना चाहिए दिस सिस्टम विल हेल्प गुड पीपल टू कम फॉर द गुड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं तो फिर ये सब चक्कर काटते रहने हैं तो बोले जान दो फिर कोई बाकी आई नो वेन इट इज अ कोएलिशन एरा तो सिंगल विंडो सिस्टम पॉलिटिकल भी होना चाहिए अदरवाइज यू हैव टू सेटिस्फाई NCP देन कांग्रेस देन BJP देन सेना देन MNS कुछ नहीं तो महायुति बढ़ती है अभी और सबको सेटिस्फाई कर दो बट एट लोकसभा पीपल हैव स्टार्टेड वन विंडो सिस्टम नाउ एक पार्टी को तो दे दिया है कम से कम वहां पर बट फ्रेंकली I agree ki running an MBA institute with all these hurdles is very difficult and so any government who would like to streamline this importance of management education would like to streamline aur iska practical use apne state ke apne firm mein hona hai to ye cheeze kisi bhi political system ko sirf nazarandaz karke chalega nahi तो दे हैव टू प्ले प्रोएक्टिव रोल इन इट और वो प्रोएक्टिव रोल प्ले करना ओनली मतलब कई बार था कि हमारे यहाँ निगवेकर कमेटी आ गई हमारे यहाँ काकोड़कर कमेटी आई बंसल मैडम की कमेटी आई सबके रिपोर्ट आए लेकिन फ्रैंकली ये सब रिपोर्ट्स में एक तो जो बातें सुझाव है आर दे रियली रिफ्लेक्टिंग द फैक्ट विच इज नीडेड
और जो हुए है वो इम्प्लीमेंट करने, मतलब वो कभी डिस्कशन में भी नहीं आए, यानी वेणुगोपाल सर कभी वो इम्प्लीमेंट करने की इच्छा भी कभी किसी की हुई नहीं, एंड हेंस वी वेस्टेड सो मेनी मैन आवर्स ऑफ ऑल दिस कमिटीज, बट रियली विद द आउटकम विच नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड ये हम कितने कर पाए। और इसलिए मुझे लगता है कि लुकिंग एट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, द वैकेंसीज ऑफ सीट्स एंड ऑल, वी नीड टू कम आउट विद द क्लस्टर डेवलपमेंट। जो क्लस्टर डेवलपमेंट हम स्लम्स का और हाउसिंग का जल्दी सोचते हैं बिकॉज बिल्डर्स आर इन्वॉल्व देयर, दे आर गोइंग टू बेनिफिट, बट एट अ करंट सिचुएशन अंटिल एंड अनलेस वी डोंट गो फॉर द क्लस्टर डेवलपमेंट, एंड फॉर दैट मंटा साहब यू हैव टू प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन इट, क्योंकि सबसे दिक्कत डीटी और एआईसीटी की आएगी कि इतना एकड़ चाहिए, इतना ग्राउंड चाहिए, इतना ये चाहिए, अभी तो ये चल नहीं रहे, बंद पड़ने वाले हैं, और इतना नेचुरल रिसोर्स का वेस्ट होने वाला है, तो वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट, एंड इफ यू वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट, तो जिस प्रकार रूल्स आर फॉर द बेटर एजुकेशन इम्पार्ट होना चाहिए इसलिए, और गिवन सिचुएशन में व्हाट वी नीड टू मेक चेंजेस, तो अलग अलग चार पांच इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठा करते हुए उनकी जो कमियां हैं उनके जो प्लस है दोनों को सबको साथ मिलकर इफ वी गो फॉर डेवलपमेंट देन ओनली वी कैन सस्टेन इज द करंट सिचुएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, एम आई राइट? और ये अगर होना है तो आई थिंक द गवर्नमेंट एआईसीटी डीटी शुड प्ले अ प्रोएक्टिव रोल इन इट, कि प्रॉब्लम है तो तुम्हारा देखो, हमको मालूम नहीं, हमारा ये कानून है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन, वी हैव टू प्ले द रोल कि इसमें हम सोल्यूशन आपको देंगे, आपकी ये दिक्कत है ना, चलो कम लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स कम आउट विद अ सोल्यूशन, एंड दिस इज कि ये पांच छह इंस्टीट्यूशन यू कम टुगेदर, आप ये बनके करो, एंड नाउ वी नीड सच सो मेनी मोर सब्जेक्ट्स इन इट, और ये अगर सब्जेक्ट्स है तो दिस फाइव बिल्डिंग्स विल बी वन कैंपस, मे बी लोकेटेड डिफरेंट प्लेसेस, और ये यहां में इट विल वर्क एज अ अंडर सिंगल रूफ वन इंस्टीट्यूशन, सच टाइप विल हेल्प अस टू सेव आवर नेचुरल, नहीं तो ये बिल्डिंग सड़ जाएगी, जो मिलों का हुआ, जो बाकी होगा वैसे धीरे धीरे आई एम अफ्रेड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन आगे चलकर शादियों के हॉल के लिए उपयोग ज्यादा होगा और मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए कम होगा, इस अवस्था में हम आ गए, एंड इफ यू डोंट थिंक ड्रास्टिकली एंड प्रैक्टिकली आई डोंट थिंक कि विल कम आउट ऑफ दिस, एंड आई होप वी ऑल हु हैव गैदर्ड हियर फॉर लास्ट थ्री डेज विल कम आउट विद सम नाइस सॉल्यूशंस, एंड आई एश्योर यू कि हम बीन अ पॉलिटिकल सिस्टम, आई बीन फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम, I assure you that you come out with this practical and drastic solutions will be with you. और जिस प्रकार की changes center में लाने की बात central government कर रहा है, state government will follow it of course. And whatever help you need from the political system, I always with you. Thanks a lot.